विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में शामली कोतवाली पर कार्यकर्ताओं द्वारा लिखित शिकायत करते हुए मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई। शनिवार को विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ता मंडल प्रभारी पंकज वारिया के नेतृत्व में शामली कोतवाली पर पहुंचे और इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत पहुंचाने से संबंधित विवादित बयान देने का आरोप लगाया। इस संबंध में जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह कालखंडे और अन्य कार्यकर्ताओं की ओर से पुलिस को शिकायती पत्र भी सौंपते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। मंडल अध्यक्ष पंकज वालिया ने बताया कि सांसद राहुल गांधी ने 1 जुलाई 2024 को हिंदू समाज के खिलाफ एक बयान देते हुए उन्हें हिंसक और झूठा बताया। राहुल गांधी के इस बयान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विरोध दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि हम लोग चाहते हैं कि हमारी भावनाएं आहत करने वाले राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाए। विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि पुलिस राहुल गांधी के विवादित बयान पर मुकदमा दर्ज करती है तो ये एक मील का पत्थर साबित होगा। इसके बाद कोई भी नेता हिंदू धर्म के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं दिखाएगा। मंडल अध्यक्ष पंकज वालिया ने बताया कि राहुल गांधी के बयान के विरोध में विश्व हिंदू महासंघ द्वारा मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली जिलों में प्रदर्शन कर शिकायत की गई है। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती तो विहिम आगे के एक आंदोलन की रणनीति तैयार करेगा। भाई साहब, आज थाने में पहुंचे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ जी, और शिकायत भी दी है आपने, क्या पूरा मामला है? मामला ये है, 1 जुलाई 2024 में हमारे जो कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी जी हैं, इन्होंने एक वक्तव्य दिया है हिंदू धर्म, हिंदू समाज के लिए, कि हिंदू धर्म जो हिंदू अनुयायी है, हिंदू ये हिंसक हैं, झूठे हैं, और इस तरीके का एक विवादित बयान दिया है, जिसके हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसका विरोध दर्ज किया था। उसी के संक्षेप में, उसी के विषय में हम आज कोतवाली पहुंचे और श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज करने का निवेदन किया है इस वक्त साहब से, कि जो इन्होंने वक्तव्य दिया इससे हमारी हिंदुओं की भावना आहत हुई है। हम चाहते हैं अति शीघ्र इन राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, उनको जेल भेजा जाए, और ताकि ये एक मील का पत्थर साबित हो, आगे भी भविष्य में कोई भी नेता हिंदू धर्म के प्रति अपशब्द कहने से पहले 100 बार सोचे। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।